कि संसार को क्या दिया, महामानव बुद्ध ने संसार को क्या दिया, मैं थोड़े समय में अपने बात रखना चाहूंगा। तीन बातें, वैसे तो बहुत कुछ दिया है लेकिन तीन बातें। सबसे पहले बात आर्टिकल 14 भारतीय संविधान का, समानता। उस समय जब भगवान बुद्ध के समय था, उस समय हमारे समाज के अंदर चार भागों में बांटा गया था और उन चारों भागों को असमानता के आधार पर बनाया गया था। किसी भी वर्ग को, जो चार वर्ण थे, सभी वर्णों को समान अधिकार नहीं थे। अगर हम त्रिपिटक को पढ़ें तो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि बुद्ध ने संरचना की कि सभी व्यक्ति समान है, सबको, कोई व्यक्ति जन्म से ऊंचा, जन्म से नीचा नहीं होता। आदमी अपने कर्मों से फिर ऊंचा या नीचा होता है। दूसरी बात महात्मा ने दी, उसका नाम है अनित्यवाद। अनित्यवाद का मतलब है कि संसार के अंदर एवरीथिंग इज चेंजेबल, हर चीज परिवर्तनशील है। तो उस जमाने में अगर कोई आदमी गरीब है तो कहते थे ये तेरे पुराने जन्मों के कर्मों का फल, इसलिए तू गरीब है। अगर कोई दुखी है, ये तेरे पुराने जमाने के कर्मों का फल, इसलिए तू दुखी है। अगर कोई किसी के साथ में अन्याय कर रहा है तो ये पुराने जन्म के तेरे कर्मों का कर्ज है, इसलिए ये आदमी तुझे पीट रहा है, ये आदमी तेरे पर जुर्म कर रहा है। लेकिन बुद्ध ने कहा नहीं, ये गलत है, ये अवैज्ञानिक है, क्योंकि संसार के अंदर हर चीज परिवर्तनशील है, इसलिए आत्मा परमात्मा नाम का अस्तित्व नहीं है। और बुद्ध ने कहा इसलिए अपने दीपक स्वयं बनो, अपने बारे में सोचिए कि, और फिर सोचने के बाद ये ज्ञान तुम्हें मिलेगा कि हमारे समस्या क्या है और हम अपने समस्या का हल किस प्रकार निकाल सकते हैं। तीसरी बात जो दी, उसका नाम है प्रतीत्य समुत्पाद, कार्य कारण का सिद्धांत, लाभ कैजुअलिटी, अर्थात हर घटना के पीछे, हर बात के पीछे कुछ कारण होते हैं। जब कुछ कारण इकट्ठे होते हैं तो एक बात होती है, ऐसा होने पर ऐसा होता है और ऐसा होने पर ऐसा होता है। तो बुद्ध ने कहा कि जो भी आपके समस्याएं हैं, जो भी आपका दुख है, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे पॉलिटिकल हो, उस दुख के बारे में सोचिए, उस दुख के कारणों को जानिए, और जब तक आप उस दुख के कारण को खत्म नहीं करेंगे आपको किसी भी प्रकार के दुख से मुक्ति नहीं मिलेगी। तो इस प्रकार बुद्ध ने जो एक जंजाल था, आत्मा परमात्मा का जाल, पूरा समाज आत्मा परमात्मा के जाल में फंसा पड़ा था, उस जाल से बाहर निकालकर आदमी को आदमी के पैर पर खड़ा किया। और उनके इस मोमेंट में सभी वर्णों के लोगों ने, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय वैश्य हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य भी सबसे आगे आए और बुद्ध का सहयोग किया और बुद्ध के शिष्य बने। जो पांच शिष्य, सबसे पहले अभी साथी ने बताया कि भगवान बुद्ध ने जो पंचवर्गीय, उनको कहते हैं पंचवर्गीय, जो पांच भिक्षुओं को उपदेश दिया, वो सारे ब्राह्मण थे। महाकाश्यप वे ब्राह्मण थे, सारे पुत्र वे ब्राह्मण थे, और सेठी वो वैश्य थे। दुनिया भर के लोगों ने भगवान बुद्ध को सहयोग किया और उनके तीन मोमेंट को, एक समानता का मोमेंट, एक अनित्यवाद का मोमेंट, एक प्रतीत्य समुत्पाद का मोमेंट, तीनों मोमेंट को आगे बढ़ाने के लिए बहुत काम किया। और लेकिन दुर्भाग्यवश बुद्ध को इंडिया से ख़त्म कर दिया गया, क्योंकि वो एक ऐसे दर्शन के खिलाफ थे जो दर्शन आदमी को आदमी के पैरों पर ना खड़ा करके आदमी को जंजाल में फंसाता है। वो जंजाल से बाहर निकलना लोग चाहते नहीं थे, आपस में स्वार्थ टकराए और बुद्ध को यहाँ से खत्म कर दिया। लेकिन जिन लोगों ने बुद्ध को समझा, जिन देशों ने बुद्ध को समझा, वो देश आज संसार में सबसे आगे तेज गति से बढ़ रहे हैं। इन्हें शब्दों के साथ जय भीम नमो बुद्धाय। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।